इंसान अपनी गलत आदतों और तौर तरीकों से खुद अपने ही जीवन के लिए ऐसी ऐसी जटिलताएं पैदा कर रहा है कि उसका जीवन दुश्वार होता जा रहा है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग के चलते जहां पृथ्वी तप रही है, वहीं दूसरी ओर खेती में प्राकृतिक खादों के स्थान पर रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग, वाहनों के अंधाधुंध प्रयोग, वातानुकूलित संयंत्रों के उपयोग, औद्योगिक कचरे का निस्तारण न करने जैसी गलतियों के चलते ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है। ग्रीन हाउस गैसों के इस बढ़े हुए उत्सर्जन से ओजोन परत दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती जा रही है। इस कारण होने वाले गंभीर जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बन गई है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण इंसानी मृत्यु दर में आश्चर्यजनक तरीके से वृद्धि होने के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदूषण का यह खतरा इतना भयावह है कि एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी के पास केवल 12 साल बचे हैं। अगर इस अवधि में पर्यावरण के खतरों से पृथ्वी को बचाने के ठोस उपाय नहीं किए गए तो इसका खत्म होना तय है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार चीन की मेजबानी है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर आयोजित किए जाने वाले इस वार्षिक समागम को इस बार एक सप्ताह तक चलने वाले एक अभियान की शक्ल दी गई है। कई महीनों से चल रही तैयारियों के कुछ सार्थक नतीजे भी सामने आए हैं। अच्छी बात है कि पृथ्वी को बचाने की शुरुआत हो गई है। हम सब पृथ्वी को विनाश से बचाने के काम में भागीदार बन सकते हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा सुझाए गए कार्यक्रमों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ये सुझाव इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमें ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम नए पौधों को रोपित कर पृथ्वी के हरित क्षेत्र में विस्तार करें। इंसानों को सबसे पहले अपने परिवहन को लेकर सावधानी बरतनी होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि परिवहन के ऐसे साधनों का इस्तेमाल करें जिनसे कोई जहरीली गैस न निकलती हो या फिर धुएं के रूप में होने वाला जहरीला उत्सर्जन बहुत कम हो। इसके लिए इंसान या तो साइकिल का उपयोग करे या फिर बिजली से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल करें। इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के इस्तेमाल से भी बचें और बिजली के ऐसे उपकरणों और बल्ब का इस्तेमाल करें जो कम बिजली खर्च करते हैं। जब ज़रूरत न हो तब बिजली बंद रखें। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में जन अभियान चलाकर भी इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है।